जनपद पंचायत तामिया के ग्राम पंचायत बिजोरी पठार में दबंगों के द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, जिसे लेकर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम के साथ स्थानीय ग्रामीण तामिया थाने पहुंचे। ग्राम पंचायत बिजोरी पठार के वर्तमान सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार का नेता होने की धौंस और झूठी FIR करने की धमकी देने की बात ग्रामीणों ने बताई। तामिया थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिरगाम का कहना है, झूठी शिकायत की गई, हमें ग्रामीणों की शिकायत पर उचित जांच कर कार्रवाई की बात की गई। क्या समस्या सर? वो फॉरेस्ट में वो कब्जा किया सर, उसने फूल मोल उखाड़ फेंक दिया था। अभी किन्ने? भुवनलाल डेहरिया। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हो? और हमारा कहना सर जी कि जो हमारे गांव के मुखिया हैं जी, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी। और उनके कहने में मतलब वो भुवनलाल डेहरिया फूल मोल सब और फेंसिंग उखाड़ फेंक दिया। तो आपका कहना है कि वो कब मुक्त कराया जाए उसे जी? आप फॉरेस्ट तरफ से आए हो आप जी, सपोर्ट जी, जी पूरे ग्रामीण। आपका नाम बताइए जी। राम प्रसाद कुड़ोपा। कुड़ोपा, क्या समस्या आपके साथ? एक्चुअली अपने यहाँ काम चल रहा है प्लांट है जी, तो क्या है गड्ढे वड्ढे बनवा लिए हैं वन रक्षक ने और फेंसिंग कर रहे थे, तो वो रातों रात या दिन में जो भी है वो कंजिया भुवनलाल मान लो ये गड्ढे फूर दिए और बखर चला दिए। नहीं तो जमीन किसकी है? वो जमीन फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की है हाँ। तो कब्जा किसका है उसमें? अभी कब्जा अभी तो किसी के नहीं है, वो वहाँ पौधा लग रहा है। अच्छा, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। कौन कर रहा है? कंजिया डेहरिया। अच्छा, कंजिया डेहरिया भुवनलाल। भुवनलाल डेहरिया। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि वो उसको छोड़वाया जाए। वो अभी वो नहीं छोड़वाए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए ना फिर। सही, तो कब्जा छूटना चाहिए। हाँ, कब्जा छूटना चाहिए, वहाँ हम पौधा लगाएंगे। हमको भी जगह चाहिए, उसको अभी शासन उसको दे रही है जी, तो हमको भी सबको भी मिलना चाहिए। हमारा कहना, तो आपका कहना है कि वो कब्जा छुड़ा जाए। क्या नाम है वो डेरिया जी का? तो आप उनके खिलाफ पूरा अभी? हाँ, हमारा पूरा समिति आया है। समिति आया है सर अभी। तो आप वन समिति में भी हो? वन समिति। आज दिनांक ग्राम बिजोरी पठार के ग्रामवासियों द्वारा पूर्व सरपंच साला ग्राम के शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें अवैध अतिक्रमण और त्रुटि शिकायत करने के संबंध में दिया गया है, जिसके संबंध में आवेदन प्राप्त किया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अभी ग्रामीण आए हुए दर्जनों की संख्या में, तो सर ये क्या मामला है इसका? ये जो अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की गई है और झूठी शिकायत करना था उसके संबंध में आवेदन किया। नाम बताइए सर। प्रीतम सिंह की निरीक्षक थाना। तामिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।